Okay, are you ready? Okay, let's start. हम लोगों ने सबसे पहले क्या चालू किया था, मेरे को तो कुछ याद भी नहीं आ रहा. आपको याद आ रहा है क्या? नहीं ना. आओ मैं याद दिलाता हूँ. सबसे पहले हम लोगों ने, याद करो, सेक्शन और एक्ट पढ़ा था. याद है? यस. सेक्शन 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 क्या होता बेटा? सेक्शन डिवीजन ऑफ एन एक्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर. यस और नो? इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक्ट. एक्ट क्या होता है बेटा? एनी अनएक्टमेंट पास बाय द पार्लियामेंट. यस. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि बॉस रूल्स और एक्ट एक होता है. से यस. अच्छा क्या डिफरेंस है? एक्ट कंटेन प्रोविजंस ऑफ लॉ, रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. यस और नो? अच्छा इसके बाद हमने वो पढ़ा था. अरे वो बॉस, एक्ट और सेक्शन सुनिए. कभी कोई केस लॉ और एक्ट दोनों भिड़ जाए, पहले क्या पढ़ना? फिर क्या पढ़ना? यस. फिर कस्टम के हिसाब से हम लोग फॉलो करेंगे. अच्छा टैक्स और ड्यूटी दोनों एक है? नहीं है. ओके. डीटी और आईडीटी दोनों अलग अलग है. डायरेक्ट टैक्स में क्या लाइबिलिटी शिफ्ट होती है? नहीं. इनडायरेक्ट टैक्स में क्या लाइबिलिटी शिफ्ट होती है? यस. क्या हम इनडायरेक्ट टैक्स दूसरों से कलेक्ट करके पे करते हैं? यस. ओके. डीटी का कलेक्शन एक बोर्ड के पास गया. कौन था वो? सीबीडीटी. और आईडीटी का सीबीईसी. यस और नो? ओके. फिर हम लोगों ने देखा था बजट. क्या तुम्हें याद है सर? याद करो बजट. बजट कहां से आता है बेटा? FRBM एक्ट. बजट क्या लेके आता है बेटा? अमेंडमेंट. क्या लाता है बेटा? अमेंडमेंट. डीटी के अमेंडमेंट फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर. आईडीटी के अमेंडमेंट उसी रात से अप्लाई कर देते हैं. यस और नो? ओके. ये तो था पहला लेक्चर. फिर हमने बात की थी दूसरे लेक्चर की. याद आ रहा है दूसरा लेक्चर? सेक्शन वन पढ़ा था सबसे पहले. सेक्शन वन शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज प्रीएम्बल. याद आ रहा है क्या? द एक्ट विल बी कॉल्ड एज इनकम टैक्स एक्ट 1960. इट एक्सटेंड टू होल ऑफ एक्सेप्ट. अरे एक्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं है. इट शैल केम इनटू फोर्स ऑन 1/4/1962. यस और नो? अच्छा इसके बाद हमने इंडिया पढ़ा था. ये देखो यहाँ से एक वर्ड मिला था इंडिया. हाँ ये मेरा इंडिया. इंडिया में सिर्फ लैंड मास आता है. कहाँ तक आता है? अप टू 200 नॉटिकल. में पानी के नीचे, पानी के ऊपर, हवा में. याद आ रहा है? ओके. फिर इंडिया के बाद हम लोगों ने पढ़ा था पर्सन. याद आ रहा है क्या? पर्सन कवर्ड अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 31. एवरीबॉडी हाथ बिजी नहीं है तो मेरे साथ बाहर निकालिए. 1 2 3 स्टार्ट. हाँ यस. अच्छा चलो पर्सन के बाद हमने एक और देखा था. एक्ट में कई जगह पे पर्सन यूज है, कई जगह पे असेसी यूज. हाँ तो असेसी मतलब थोड़ी नहीं समझता हमको. समझता है? सेक्शन 27 में लिखा हुआ है. क्या लिखा हुआ है? एवरी पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स ऑन हुम एनी प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन एंड असेसी इन डिफॉल्ट. एवरीबॉडी यस. ये तीन चीजें इंक्लूड. सो एवरी असेसी इज अ बट एवरी पर्सन इज नॉट अ. ठीक है. अरे चैलेंज है, अब नहीं बोल पाओगे. इनकम टैक्स में हम कैलेंडर और प्रीवियस ईयर यूज करते हैं. अच्छा कैलेंडर ईयर और फाइनेंशियल ईयर. असेसमेंट ईयर और कैलेंडर. एक मिनट, कैलेंडर ईयर मतलब क्या? स्टार्टिंग फ्रॉम 1st Jan, राइट? अच्छा फाइनेंशियल ईयर मतलब अ पीरियड ऑफ 12 months स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April. लेकिन इन दोनों में ऐसा क्या था जो हमने ऐसा डेफिनेशन यूज नहीं किया? 12 months. हर बिजनेस जरूरी नहीं एक तारीख को ही शुरू होगा. यस और नो? ओके. फिर हमने दो वर्ड उठाए, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर. प्रीवियस ईयर कहाँ मिलेगा? मैं भागते भागते इनकम टैक्स के पास गया था. इनकम टैक्स को पूछा व्हाट इज प्रीवियस ईयर. उसने मुझे बोला
गो टू सेक्शन थ्री. सेक्शन तीन ने क्या लिखा है? द ईयर इन विच इनकम इज अर्न इज अ प्रीवियस ईयर. द ईयर इन विच टैक्स इज पेड इज कॉल्ड एज अ. सो इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर, है ना? हाँ, तो इसके थोड़ी ना कोई एक्सेप्शन है. अरे सुनो, कोई एक्सेप्शन नहीं है इसके. अरे नहीं है. हाँ याद आ रहा है, आ रहे है. हाँ, कौन क्या कर रहा था? यस, क्या कर रहा था? गणपति डांस. इतने में कौन आई? शिप आई. शिप, कन्या पे फोकस नहीं करने का. शिप आई. शिप से कौन उतरी? राइट. उसने यश को बोला, मैं तुम्हें क्या बनाऊंगी? यश ने बोला, ठीक है, मुझे दो काम करके आने हैं. कौन से दो काम? सारा सामान, अपनी दुकान. जैसे ही यश वापस आया, लड़की ने बोला, मुझे तुमसे, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, और इंडिया जैसी प्लेस पे दोबारा. राइट. सो पहला, गणपति से क्या याद आएगा? एओपी बीओआई, फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. दूसरा, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड द क्लोजर ऑफ बिजनेस, एंड पर्सन लीविंग इंडिया. इन पांच केसेस में टैक्स क्या प्रीवियस ईयर में ही पे करना पड़ता है? आर यू श्योर? यस. तो आज जाओ मेरे संग वापस सेक्शन फोर पे. ये तो था सब कल तक का, जो आपको भली भांति याद हो गया. अब आगे वापस सेक्शन फोर पे आओ. क्या सेक्शन फोर खत्म हो गया था क्या? ना मुन्ना ना. आ जाओ, चलो मेरे साथ एक बार फिर से पढ़ लो. पढ़ लो बेटा, पढ़ लो. राइट. यस सर. पढ़ो क्या था यार. इनकम टैक्स इज पेएबल. स्टॉप. वी आर अवेयर अबाउट द वर्ड इनकम? वी आर अवेयर अबाउट द वर्ड टैक्स? फॉर एनी असेसमेंट ईयर. स्टॉप. इनकम टैक्स कब पे होता है ये देखो. असेसमेंट ईयर. समझ में आया कि अब क्या मीनिंग है पहली दो लाइन का? इनकम टैक्स इज पेएबल फॉर असेसमेंट ईयर एट द रेट. स्टॉप स्टॉप. इतना जल्दी क्यों तुमको? स्टॉप, धीरे धीरे. अपन एवरेज बच्चे, इतना स्पीड में नहीं समझता अपने को. एट द रेट. रेट वर्ड अभी तक पता नहीं है. इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम. हाँ, तो ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम सेम है. शर्त लगाओगे? नहीं, मैं नहीं लगाऊंगा. बोलो कौन सी दो इनकम है? ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम. व्हाट इज ग्रॉस टोटल इनकम? इनकम ऑफ ऑल फाइव हेड्स. यस और नो? और जीटीआई में से डिडक्शन माइनस कर दिए तो? मैं क्या बोल रहा हूं, इस बार तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी. डिडक्शन और एग्जम्पशन सेम है. देखो सुनो, तुम खाना खा के आयो, नहीं समझ रहा है. डिडक्शन और एग्जम्पशन सेम है? नहीं. अच्छा बोलो क्या डिफरेंस है? एग्जम्पशन मतलब 100% एग्जाम. कहां लिखे हैं ऐसी लिस्ट? सेक्शन 10. डिडक्शन मतलब पार्शियल एग्जम्पशन. कहां लिखा है? 80C to 80U. याद आ रहा है? राइट. सो डिडक्शन माइनस कर दिया, आ जाएगा टोटल इनकम. ओके. इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी पर्सन इन द प्रीवियस ईयर. अब अगर मैं इसे हिंदी में संवाद करना चाहूं तो देखो इस तरह से होगा. इनकम टैक्स पे करना है असेसमेंट ईयर में जो रेट फाइनेंस एक्ट में दिए हुए हैं, टोटल इनकम पे किसी भी पर्सन के जो उसने कब कमाई हो? प्रीवियस. अब आप इसे पढ़ के देख लीजिए, आपको वर्ड टू वर्ड समझ में आ जाएगा. वर्ड पढ़िए मेरे साथ. इनकम टैक्स इज पेएबल. इनकम टैक्स कब पेएबल है? असेसमेंट ईयर में. कौन से रेट पे? एनुअल फाइनेंस एक्ट में जो दिए हुए है. इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल इनकम. याद आ रहा है टैक्स हम काय पे करते हैं? टोटल इनकम ऑफ एनी पर्सन. यानी क्या सिर्फ इंडिविजुअल ध्यान रखना है टैक्स पे करते वक्त? नहीं, कहां से कहां तक? इंडिविजुअल से एजेपी तक सब याद रखना है. इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रीवियस ईयर. तो जो इनकम उसने प्रीवियस ईयर में कमाई भी है किसी भी पर्सन ने, उसकी टोटल इनकम को असेसमेंट ईयर पे टैक्स पे करना है एट द रेट. इसमें ऐसा क्या है जो अब तक हमने नहीं पढ़ा? रेट, जो हम आज पढ़ने वाले हैं. ये सुनो, जिंदगी में आज फर्स्ट टाइम आप आपका टैक्स कैलकुलेशन निकालोगे.
हाउ टू कैलकुलेट टैक्स, ये फर्स्ट टाइम आज आप कैलकुलेट करने वाले हो. आर यू एक्साइटेड अबाउट दैट? सो आ जाए रेट पे. गिव द नेक्स्ट ट्रेडिंग वर्ड रेट. नेक्स्ट ट्रेडिंग वर्ड रेट. अच्छा एक मिनट, इस वर्ड को डिस्कस करने से पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, जरा समझ के देखिएगा. देखिए प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में मान लो प्रीवियस ईयर में अगर मेरा बिजनेस 1 अगस्त से चालू हुआ है, लेट्स अंडरस्टैंड माय बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1st August 2017, तो मेरा प्रीवियस ईयर क्या और असेसमेंट ईयर क्या, मेरा प्रीवियस ईयर क्या और असेसमेंट ईयर क्या. एक छोटा सा बस आपसे क्वेश्चन है, कोई भी पॉइंट आगे पढ़ने से पहले. बोलो भाई, जरा देखिएगा, समझिएगा, और ये एग्जांपल आप लिख भी लें तो ज्यादा बेटर हो जाएगा. बोलो सर, मेरा बिजनेस स्टार्ट हुआ, ध्यान से सुनो, माय बिजनेस स्टार्टेड ऑन 1st August 2017, व्हाट इज माय प्रीवियस ईयर, व्हाट इज माय असेसमेंट ईयर. बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, मेरे को नहीं समझता. एनीबॉडी, कोई हेल्प कर दे यार मेरी. प्रीवियस ईयर क्या बनेगा मेरा, सिर्फ 17 बोलोगे या और भी कुछ बोलोगे? 17, आर यू श्योर? और असेसमेंट ईयर क्या बनेगा? अच्छा, ये जो प्रीवियस ईयर अगर मैं काउंट करूं बेटा, कॉमन सेंस लगा के बोलना, विल आई काउंट इट फ्रॉम 1st April और विल आई काउंट इट फ्रॉम 1st August? बट ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि उसके पहले तो मेरी इनकम ही नहीं है. सो कैन आई से आई विल काउंट इट फ्रॉम 1st August 2017 टू 31st March 2018? एवरीबॉडी, अरे येस ऑर नो? सो बॉस, कैन आई से एक जनरल रूल जो आपने यू सॉल्व कर दिया, व्हाट इज जनरल रूल? इफ बिजनेस इज स्टार्टेड, द प्रीवियस ईयर विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट. द प्रीवियस ईयर स्टार्ट विल डेट फ्रॉम द कमेंसमेंट. समझ में आ रही बात? चलो एक और बार, मेरे को नहीं समझा, आपको तो समझ गया होगा, मेरे को नहीं समझा. मान लो मेरा बिजनेस चालू हुआ है 1 December 2017, कैन यू टेल मी व्हाट इज माई प्रीवियस ईयर एंड असेसमेंट ईयर? प्रीवियस ईयर स्टिल बी कॉल्ड एज 17, 18. बोलेंगे 17, 18, लेकिन काउंट कहां से करेंगे? 1st December 2017 टू 31st March 2018. एवरीबॉडी, व्हाट विल बी माय असेसमेंट ईयर? सेम 18, 19. समझा नहीं समझा? येस ओ नो? सो प्लीज राइट डाउन एक जनरल रूल. आपने वो 5 पॉइंट लिखे थे, उसके नीचे एक जनरल रूल लिखिए. जनरल रूल, In case business is started, previous year will start from the date of commencement. In case business is started, previous year will start from date of commencement. झाला एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं बेटा, प्लीज एग्जाम्पल लिखते रहना. डन. आता तरी हो म्हणा. एक आम आदमी इतनी देर में लिख लेता है. तुम आम नहीं हो ना, यू आर नॉट मैंगो. झाला, चलो ओके. अब हम बात करेंगे रेट. अब हम बात करेंगे रेट पे.
आपके मन में एक सवाल उठेगा, आई मन में सवाल उठेगा, क्या रेट है? बोलो भाव क्या है, क्या रेट है? इनकम टैक्स को कौन से रेट से पे किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है? क्या इनकम टैक्स में रेट लिखे हुए हैं? बेटा प्रैक्टिकली स्पीकिंग इनकम टैक्स में दो तरह के रेट होते हैं। अगले 20 मिनट अगर तुमने ध्यान दे दिया तो सीए फाइनल तक के आपको इस पॉइंट पे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, सीए फाइनल तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। रेट, और आज ये चैलेंज भी देता हूं कि ये क्वेश्चन अपने दोस्तों से जरूर पूछना, क्योंकि ये आपको पता होगा उनको होगा कि नहीं पता नहीं। रेट ऑफ इनकम टैक्स, देर आर टू रेट्स इन इनकम टैक्स, देर आर नॉर्मल रेट स्पेशल रेट, नॉर्मल रेट स्पेशल रेट, यस और नो? जैसे हमारी जिंदगी में दो तरह के लोग होते, कुछ होते नॉर्मल, कुछ स्पेशल। स्पेशल की जगह अलग होती है हमारे दिलो दिमाग में, यस और नो? तो कुछ लोग होते नॉर्मल, ठीक है, चिल्लर, जैसे अपने दोस्त, खास दोस्त, यस और नो? ये नॉर्मल लोग हैं, मिले नहीं मिले इनको कितनी भी गाली मारे सब बराबर है, यस और नो? फॉर एग्जाम्पल मेरे को दर्शन सर मिले, अरे दर्शन यहाँ क्या कर रहा, तो यू नो नॉर्मल, राइट? अगर कुछ यू नो वो मिली तो क्या हो गया, स्पेशल, यस। सो दो रेट है, नॉर्मल रेट, ध्यान से सुनना, इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स में जो लिखे हैं वो है स्पेशल रेट, इनकम टैक्स एक्ट में जो लिखे हैं वो है स्पेशल रेट, और नॉर्मल रेट आपको एनुअल फाइनेंस एक्ट से मिलते हैं। नॉर्मल रेट कहां से मिलते हैं? एनुअल फाइनेंस एक्ट। सो ध्यान से समझना, इनकम टैक्स में दो रेट है, कितने रेट है? दो। इनकम टैक्स पर्टिकुलरली हर तरह के टैक्स रेट डिफाइन नहीं करता, वो सिर्फ कौन से रेट डिफाइन करता है? स्पेशल, यस और नो? इनकम टैक्स सिर्फ स्पेशल रेट डिफाइन करता है, और नॉर्मल रेट जो लिखे हुए है ये एनुअल फाइनेंस एक्ट प्रोवाइड करता है। इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर पर टैक्सेबल कब होती है? असेसमेंट ईयर। तो जो भी असेसमेंट ईयर का टैक्स रेट होता है बजट में दिया हुआ, हमें वो अप्लाई करना पड़ता है। जो बजट में दिया हुआ रेट है हमें वो अप्लाई करना पड़ता है। गेटिंग इट और नॉट? सो अगर आप मेरे साथ वर्ड देखेंगे आपको समझ जाएगा, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज प्रिस्क्राइब्ड इन फाइनेंस एक्ट एंड स्पेशल रेट ऑफ टैक्स आर प्रिस्क्राइब इन इनकम टैक्स एक्ट। फॉर एग्जाम्पल लॉटरी आपने सुना है, लॉटरी का रेट लिखा हुआ है 115 BB, राइट, 30%। तो ये स्पेशल रेट है, ये कहां लिखे हुए हैं? इनकम टैक्स एक्ट में। दो तरह के रेट, नॉर्मल रेट, ये जो हर साल बदलते हैं बजट के साथ, हर साल, पहले 10% पे टैक्स हुआ करता था, अब 5% पे। पहले जो रेट होते हैं जो हर साल बदलते हैं, ये फाइनेंस एक्ट में दिए हुए, क्योंकि ये हर साल बदलता है, राइट? स्पेशल रेट जो जनरली बदलते नहीं, उसको एक्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। गेटिंग और नॉट गेटिंग? प्लीज राइट डाउन, रेट आपने लिखा, प्लीज राइट डाउन डायरेक्टली ये पॉइंट लिखना, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज प्रिस्क्राइब इन फाइनेंस एक्ट, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज प्रिस्क्राइब इन फाइनेंस एक्ट एंड स्पेशल रेट ऑफ टैक्स इज प्रिस्क्राइब इन इनकम टैक्स एक्ट। फॉर एग्जाम्पल लॉटरी, फॉर एग्जाम्पल लॉटरी एट द रेट ऑफ 30%, ये सुनो। तो आज जब आपसे दोस्त पूछेगा कि रेट कहां लिखे हुए हैं, उसको बोलना रेट कहां लिखे हुए बेटा, दो जगह, नॉर्मल रेट फाइनेंस एक्ट, स्पेशल रेट इनकम टैक्स एक्ट, क्लियर है? तो रेट दो जगह लिखे हुए हैं। नेक्स्ट, फाइनेंस एक्ट में रेट कहां लिखे हुए हैं? आप बोलोगे सर फाइनेंस एक्ट बड़ा है, उसमें कहां ढूंढना? शेड्यूल, एक मिनट, शेड्यूल मतलब समझता है क्या क्या होता है? शेड्यूल में लिखे हुए, शेड्यूल वन रेट ऑफ इनकम टैक्स देता है, शेड्यूल टू यू नो उसका ही पार्ट बी ये देता है टीडीएस का रेट।
सो आप सीधा फाइनेंस एक्ट के कहाँ जाएंगे बेटा, शेड्यूल। सीए बनने के बाद भी हम लोग आपको यही चीज सिखाएंगे, जब भी फाइनेंस एक्ट आएगा रेट ढूंढना है, कहाँ जाओ, सीधा फाइनेंस एक्ट, उसका शेड्यूल। पार्ट वन देखोगे इनकम टैक्स का दिखेगा, पार्ट टू देखोगे टीडीएस का दिखेगा। सर सर ये टीडीएस क्या होता है? सर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, पूरा चैप्टर है वहां डिस्कस करेंगे आराम से, राइट, टीडीएस। सो प्लीज राइट डाउन द नॉर्मल रेट्स, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द नॉर्मल रेट्स आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट, आर स्पेसिफाइड इन शेड्यूल टू फाइनेंस एक्ट, Schedule to the Finance Act, Part 1 Rate of Income Tax, Part 1 Rate of Income Tax, Part 2 Rate of TDS. Part 2 Rate of TDS. Is that done? TDS ka full form? Tax deducted at source. Done बेटा? Okay. So sir, अब ये तो पता चल गया दो रेट है, कैसे निकालते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? आ जाओ सर, सबसे पहली बात हम लोग अब मैं आपको डिस्कस करता हूं। Have you heard about इनकम टैक्स कहां तक नहीं लगता? कहां तक नहीं लगता? 2,50,000। ऐसा क्यों? आपको लॉजिक समझना जरूरी होगा, लॉजिक समझना जरूरी होगा। इसका एक लॉजिक सर विशाल सर आईडीटी पढ़ाते वक्त भी आपको बताते हैं, यस और नो। देखो बॉस, 2.5 लाख तक के रखा गया है, 2.5 लाख मतलब पर मंथ की इनकम आती है कहीं 21,000 से 22,000 के बीच में, या 20 से 22,000 के बीच में, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब 20-22,000 रुपए पर मंथ जो आदमी कमा रहा है उसे हायर मिडिल क्लास कंसिडर किया जाता है, जनरली लोअर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, यस और नो। अब 22,000 रुपए पर मंथ, अब जैसे देखो मैं हूं, मैं लोअर मिडिल क्लास में आया, 10,000 पर मंथ, ठीक है। अब 10,000 पर मंथ कमाने वाला बंदा, आप सोचो क्या क्या करे उस 10,000 में, वो क्या क्या करे? घर पे खर्चा दे, बाहर भी खर्चे करने ही पड़ते, आपको तो पता ही है कितने खर्चे रहते बाहर के, वो सारे खर्चे करो, गिफ्ट लाओ, टेडी बियर दो, राइट। अब वो आदमी रेंट पे करे, घर संभाले, यू नो गिफ्ट्स दे, एग्जैक्टली वो क्या क्या करे, थकेगा ना बेचारा कर करके भी, कितना आदमी बहुत ज्यादा काम तो नहीं कर सकता ना, थक जाएगा बेचारा। तो अल्टीमेटली 20 से 22,000 रुपए तक के उसको कुशन दिया गया है पर मंथ का, यानी 2,50,000 रुपए साल का उसको कुशन दिया है। और ये देना इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि बट ऑब्वियस है कि उसको उसका घर बार बीवी बच्चे सब चलाने हैं, यस और नो, उसको सारे खर्चे उसको करने, इसीलिए 2.5 लाख तक का एक कुशन रखा गया है। ऐसा ही 5 लाख तक का भी स्लैब को यू नो उससे हायर क्लास वालों के लिए रखा गया है, जो थोड़े से एलीट क्लास में आ जाते हैं, मिडिल क्लास लोगों के लिए। तो सर अब हम समझने जा रहे हैं रेट, जो पहले रेट हम समझ रहे हैं यह है नॉर्मल रेट, जो अब हम रेट समझ रहे हैं ये कौन से रेट है बेटा? नॉर्मल रेट। इसका मैं एक कंप्लीट चार्ट बना के दे रहा हूं आपको, जिसके लिए मुझे कंपल्सरीली डबल पेज चाहिए, रजिस्टर का डबल पेज, ठीक है। कोई एक पेज छूट भी रहा होगा मत कुड़कुड़ करना, मैं यूज करा दूंगा कहीं ना कहीं, मेरे को डबल पेज चाहिए कंपलसरी। वो ऐसा भी मत पूछना सर वो रजिस्टर को ऐसा करके किए, कुछ नहीं, डबल पेज मतलब डबल पेज, डबल पेज मतलब डबल पेज, वो एक पेज मेरे लिए छोड़ देना मेरे नाम पे। इज दैट डन? चलो सबसे टॉप पे हेडिंग दे दो, टैक्स रेट्स, टैक्स रेट्स फॉर अदर देन कॉर्पोरेट्स। ऐसा रजिस्टर है, ऐसा चार्ट ड्रॉ करना है, ऐसा नहीं, वो आईटी की भाषा में मेरे को नहीं समझता इसको क्या बोलते, जो भी है ऐसा ड्रॉ करना है, हाँ ठीक है गाइस। तीन पार्ट में, ये सीधा राइट साइड वाले पेज पे, ये मिडिल में, और ये सीधा लेफ्ट वाले पेज पे, सीधा तीन पार्ट बना दो।
सीधा तीन पार्ट बना दो, मस्ती मत करो बेटा, सीधा तीन पार्ट बना दो, एक बीच में, एक इस पेज पे, एक उस पेज पे, स्ट्रेट अवे। और बिल्कुल मस्ती मत करना, सिर्फ समझो क्या है। ये समझ गया तो सीए फाइनल तक तकलीफ नहीं है। फॉर रेसिडेंट बिलो 60, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, HUF, AOP, BOI, AJP. फॉर रेसिडेंट बिलो 60, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, HUF, AOP, BOI, AJP. मैं अभी सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट लिखा रहा हूं, दो स्पेस खाली रख रहा हूं, ठीक है। मैं सिर्फ लेफ्ट वाला पार्ट लिखा रहा हूं, दो स्पेस खाली रख रहा हूं। टोटल इनकम परसेंटेज शॉर्टकट, टोटल इनकम परसेंटेज शॉर्टकट। डन। टोटल इनकम अप टू ₹2,50,000 निल, ₹2,50,000 टू 5 लाख, 5% ₹12,500, 5 लाख टू 10 लाख, 20% ₹1,12,500, अबाउ 10 लाख 30%। कोई जल्दी नहीं है, शांति से बनाओ, आराम से बनाओ। मैं पूरा रिपीट कर रहा हूं, आप अपनी स्पीड में आराम से लिखते रहें। फॉर रेसिडेंट बिलो 60, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, HUF, AOP, BOI, AJP। हेडिंग देख लेना, अदर देन कॉर्पोरेट्स लिखा हुआ है, तो ये सब कवर हो गए। तीन पार्ट में डिवाइड, टोटल इनकम परसेंटेज और एक शॉर्टकट दे के रखा है। अप टू 2,50,000 TI, टोटल इनकम अप टू 2,50,000 निल, 2,50,000 टू 5 लाख 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20%, अबाउ 10 लाख 30%। डन, एवरीबॉडी डन। गाइस डन, ओके। अब देखो, इसके नीचे भी आपका पेज खाली मिल रहा है आपको, ठीक है। वहां पे कॉमन नोट्स आएंगी, 6 नोट आने वाली है टोटल, 3 नोट लेफ्ट पेज पे, 3 नोट राइट पेज पे। पहले ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। ये चार्ट आपने बना दिया, नीचे का स्पेस पूरा खाली है, वेस्ट नहीं जाने दूंगा। नोट्स आनी है 6, कितनी नोट्स आएगी, 6, जो कॉमन रहेगी तीनों पार्ट को, जो कॉमन रहेगी तीनों पार्ट को, ठीक है। और वो 6 नोट्स वहां पे अपने को एडजस्ट करने की है। जैसे आप पेज टर्न करेंगे, आपका पेज ब्लैंक मिल रहा है, वहां पे हर एक पॉइंट पे एक एक एग्जांपल लूंगा। तो मैं जितने एग्जांपल यहां पे बना, उतने एग्जांपल आपको साथ साथ में बनाने भी है और मेरे साथ प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं। एवरीबॉडी, जैसे ही बोला एग्जाम्पल पे, आप पेज आगे करने का एग्जाम्पल लिख देने का बाकायदा। क्लियर सभी लोगों को, ओके। आइए, ये पहला रेट है, हम इस रेट को कहते हैं स्लैब रेट। क्या कहते हैं सर? स्लैब मतलब क्यों? अप टू सर्टेन लिमिट आप पे कोई टैक्स नहीं, इसके ऊपर 1%,
उस लिमिट के ऊपर एक और परसेंट, जैसे सीढ़ी चढ़ती है एक एक स्लैब होता है, वैसे ही इनकम टैक्स को स्लैब रेट कहा जाता है। नॉर्मल रेट्स को क्या कहते हैं बेटा? स्लैब रेट्स। क्लियर है? ओके अब देखो टी आई, कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज टी आई? याद आ रहा है टैक्स काहे पे निकलता है बेटा? टोटल इनकम। आपका बेसिक पहले क्लियर कर दिया था। कौन कौन पर्सन के लिए ये स्लैब रेट है? पहला रेसिडेंट बिलो 60, हर व्यक्ति जिसकी 60 के नीचे की उम्र है वो सब इस स्लैब में कवर है। दूसरा नॉन रेसिडेंट, कोई भी एज रहे, उसकी 80 इयर्स भी एज रहे तो वो इसी स्लैब में कवर है, इररिस्पेक्टिव वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। तीसरा HUF, AOP, BOI, AJP, शायद कल के लेक्चर में पहले ही क्लियर कर दिया ये क्या है, ठीक है, ये वर्ड आई होप सभी को समझ रहे हैं। अप टू 2,50,000 nil, ये एनुअल इनकम है या मंथली इनकम है? एनुअल। साल भर की 2,50,000 तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है, साल भर की 2,50,000 तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। एवरीबॉडी, जहां आपकी इनकम 2,50,000 से ऊपर गई वहां पे आपको टैक्स रेट देना है 5%। पहले ये हुआ करता था 10%। इस फाइनेंस एक्ट 2017 से, जो मई 18 और नवंबर 18 को एप्लीकेबल है, इस साल से इसे 5% पे ला दिया गया है। इन शॉर्ट टैक्स में थोड़ी से बेनिफिट मिले हैं एक आम आदमी को, बट ऑब्वियस ही बात है देना जरूरी था। पूछो ऐसा टैक्स रेट कम क्यों किया? GST आने की वजह से कहीं ना कहीं उसका टैक्स बर्डन बढ़ गया। एट द सेम टाइम डीमोनेटाइजेशन आने की वजह से कई लोगों को अपनी इनकम डिक्लेयर करनी पड़ी जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर भी थे। ऐसा नो, कुछ नॉन ऑनेस्ट टैक्स पेयर जो थे प्लस कुछ ऑनेस्ट टैक्स पेयर जो कहीं ना कहीं अपनी थोड़ी बहुत बचा लेते थे, वो भी पूरा का पूरा डालना पड़ा नॉट डीमोनेटाइजेशन के अंदर में। इस चक्कर में उनने कहीं ना कहीं स्लैब्स को रिड्यूस कर दिया ताकि टैक्स बर्डन कम हो जाए। बढ़ती महंगाई दर बढ़ रही है इसीलिए उनने थोड़ा सा रियायत दे दी, 10% की जगह कितना कलेक्ट कर रहे, 5%। ये लॉजिक है उसका, क्लियर है? ओके सो 2.5 लाख के ऊपर और 5 लाख के नीचे, 2.5 के ऊपर 5 के नीचे 5% का टैक्स आपको देना पड़ेगा आपकी टोटल इनकम पे। यस और नो? सर कुछ नालायक मुझसे पूछेंगे, सर डॉट 2,50,000 मन में आता भाई, कई नालायक मेरे जैसे रहते, सर डॉट बोलो। बोलो भाई डॉट पे क्या होगा, देना है या नहीं देना है? एक रुपया भी नहीं, जब 2,50,000 से एक्सीड हुए तो देना है, तो अप टू 2,50,000 कोई टैक्स नहीं है। क्लियर है? ओके आगे वाले पेज पे आप और मैं एक एग्जाम्पल लिखेंगे, ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। कैलकुलेटर निकाल लो सभी लोग अपना वाला। एग्जाम्पल 1 विदाउट सेस और रिबेट, विदाउट सेस और रिबेट। मान लो ये है मिस्टर जालिम, मिस्टर जालिम की इनकम है 2,40,000, मिस्टर जालिम की इनकम है 2,50,000, मिस्टर जालिम की इनकम है 2,90,000। क्या मेरा बच्चा मुझे बताएगा पहले केस में बताओ टैक्स कितना आएगा? एग्जाम्पल साथ साथ में लिखते रहना, बताओ पहले केस में मेरी इनकम कितनी आएगी, टैक्स कितना आएगा? टैक्स आएगा, 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 अरे आएगा। टैक्स क्या आएगा? नील, अप टू 2,50,000 मुझे कोई टैक्स नहीं है, विदाउट सेस और रिबेट। वर्ड लिख के रखे, 10 मिनट में आज सब वर्ड मिलेंगे आपको। एग्जाम्पल 1 विदाउट सेस और रिबेट, मैं धीरे धीरे आपको ऊपर बढ़ाना चाहता हूँ, इसी के लिए धीरे धीरे लेके जा रहा हूँ। अप टू 2,40,000 निल। बताइए दूसरा एग्जाम्पल, 2,50,000 कितने देना है? आएगा, आएगा, 2,50 पे तो आएगा ना 5%, ये भी क्या लिखूंगा मैं? नील। हाँ अब बोलो आएगा, ट्राई करोगे कितना आएगा? 14। कैसे निकाला? कितना? एक जवाब आ रहा है 2,000, एक जवाब आ रहा है 14,500। 2,000? आर यू श्योर? आर यू श्योर?
बिल्कुल सही जवाब। इधर देखो, 2,90,000 में से सबसे पहले क्या माइनस करोगे? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, स्लैब रेट, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। 2.5 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख के ऊपर जो अमाउंट जा रही है इस पे बताओ टैक्स रेट कितने परसेंट का है? 5%। तो टैक्स लाइबिलिटी कितने की आई? 2,000। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, स्लैब रेट 2.5 तक के कुछ नहीं, 2.5 के ऊपर। बेटा समझा? बेटा समझा? हाउ डेयर यू, तुमको एक बार में समझ ही कैसे सकता है? अपन एवरेज बच्चे, बोलो नहीं समझा। अब बोलो 3 लाख पे, एवरीबडी ट्राई। 3 लाख, एवरीबडी ट्राई। ये है टोटल इनकम, इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करोगे? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, कितने की माइनस करोगे? 2,50,000। बचा कितना? 50,000, दैट इज टोटल इनकम। इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट का है? 5%। टैक्स लाइबिलिटी कितने की हो गई? 50,000 इंटू 5%, बोलो बॉस, 2,500। समझा बेटा सबको? कितना हार्ड है ना टैक्स निकालना, बहुत हार्ड है ना। अप टू 2,50,000 निल, 2,50,000 टू 5 लाख, इसके बीच में जो कुछ भी आ रहा है उस पे कितना परसेंट लगेगा बेटा? 5%। यहां तक सबको समझा बेटा? एवरीबॉडी, कोई डाउट किसी भी बच्चे को? एक और प्रॉब्लम लू, एक और लू? यस ओके, टेल मी। 3,20,000 अब नहीं कर पाओगे, चलो करके दिखाओ। जिसको जम गया करो, मैं ये मेरे जैसे बच्चों के लिए बाबा, जो होशियार है उसने करके छोड़ देने का, टेंशन नहीं लेने का। मेरे जैसे बहुत सारे बच्चे इधर, क्या माइनस करूं कोई बताएगा इसमें से? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, ये बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं आने वाला, ऊपर कितने लगने वाले हैं? 70,000 टोटल इनकम। इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट का है? 5%। टैक्स लाइबिलिटी कितने की आई? 3,500। समझा नहीं समझा? बेटा उधर समझा, पीछे सभी को, इधर भाई, डन। चलो वापस आ जाओ चार्ट पे। अप टू 2,50,000 निल, 2,50,000 टू 5 लाख, 5%। ठीक है, अब नीचे जो स्पेस खाली है, तीनों जगह चार्ट इससे ऊपर नहीं बढ़ेगा, राइट? नीचे जो स्पेस खाली है इसमें लिखो कॉमन नोट, इसके बाद एक लाइन छोड़ देना, लिखना कॉमन नोट। ये तीनों चार पॉइंट्स के लिए कॉमन है, तीनों पॉइंट के लिए कॉमन है, कॉमन नोट। क्लियर है? ओके, पहला कॉमन नोट मैं लिखाने जा रहा हूं, प्लीज गिव द हेडिंग रिबेट। रिबेट अंडर सेक्शन 87A, रिबेट अंडर सेक्शन 87A। आप देखिए, जब आपने प्रॉब्लम लिखा, बेटा चार्ट में लिखना है, चार्ट के नीचे लिखा ना आपने, हो गया रिबेट अंडर सेक्शन 87A। आपने जो भी प्रॉब्लम लिखा था, देखो वहां पे मैंने आपको धीरे से एक चीज लिख के दी है, विदाउट सेस और रिबेट। मन में सवाल आया होगा, सर रिबेट मतलब क्या? पूछो। यस, रिबेट मींस डिस्काउंट। रिबेट का मतलब क्या होता है? डिस्काउंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को समझ में आया, इंडिया जैसी प्लेस पे डिस्काउंट देना बहुत जरूरी है। यस और नो? इनको हर चीज में डिस्काउंट चाहिए, तो इनको टैक्स में भी थोड़ा सा क्या दो? डिस्काउंट।
इस सेक्शन में भी अमेंडमेंट आया है मई 18 लोगों के लिए, राइट? रिबेट, डिस्काउंट, कुछ कंडीशन है, यस और नो? सर 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 आई हैव अ डाउट सर। सर मान लो मैंने इस सेक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई भी कर लिया, पर मेरे को डिस्काउंट नहीं चाहिए, अमीर आदमी में नहीं चाहिए मेरे को डिस्काउंट, जरूरी है लेना ही है? जरूरी है क्या लेना ही है? मैंडेटरी है। अगर आपकी इनकम इस सेक्शन के अंदर आती है, आपसे पूछा नहीं जाएगा चाहिए या नहीं चाहिए, दे दिया जाएगा, मैंडेटरी है। सो व्हाट इज रिबेट, आओ डिस्कस करते हैं। रिबेट मींस डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स। रिबेट मींस डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स। कुछ कंडीशंस दी हुई है, अगर आपको ये डिस्काउंट चाहिए तो कुछ कंडीशन लेनी पड़ेगी। पहला, असेसी इज इंडिविजुअल, ही इज रेसिडेंट, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 3,50,000। इंक्लूडिंग नॉर्मल प्लस स्पेशल इनकम बट एक्सक्लूडिंग एग्रीकल्चर और एग्जम्प्ट इनकम, तो रिबेट कितना मिलेगा? रिबेट इज इक्वल्स टू लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स और ₹2,500, विच एवर इज लोअर। रिबेट मतलब क्या? डिस्काउंट। रिबेट मतलब क्या? डिस्काउंट। कुछ कंडीशंस है जो सेटिस्फाई करनी है, अगर ये डिस्काउंट चाहिए तो कुछ कंडीशन है जो सेटिस्फाई करनी है। ओके, सो रिबेट मींस क्या? रिबेट मींस डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स। कंडीशन क्या है? कंडीशन है असेसी शुड बी इंडिविजुअल। ओ भाई, ओनली इंडिविजुअल, सिर्फ इंडिविजुअल को ही रिबेट मिलेगा, HUF को नहीं, AOP को नहीं, HUF BOI नहीं, फक्त आणि फक्त इंडिविजुअल, ओनली इंडिविजुअल। हाईलाइटर होगा, हाईलाइट करके रखो अभी से ही, इंडिविजुअल ओनली। दूसरा, वो भी कौन होना चाहिए? रेसिडेंट। वो भी कौन होना चाहिए? रेसिडेंट। यानी नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट मिलता नहीं, नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल को रिबेट मिलता नहीं। तीसरा, अगर उसकी टोटल इनकम डज नॉट, ये नॉट बड़ा हॉट है, इसे अंडरलाइन करके रखो, डज नॉट एक्सीड 3,50,000। पहले ये 5,00,000 हुआ करती थी, फाइनेंस एक्ट 17 से इसे 3,50,000 कर दिया गया है। फाइनेंस एक्ट 2017 से इसे 3,50,000 कर दिया गया है। पहले ये कितनी हुआ करती थी? 5,00,000। तो ये अमेंडमेंट है आप सभी के लिए, जिसमें नॉर्मल भी इंक्लूड होगी, स्पेशल भी इंक्लूड होगी, बट एक्सक्लूड करेंगे एग्रीकल्चर और एग्जम्प्ट इनकम को, क्योंकि एग्जम्प्ट इनकम वैसे भी टोटल इनकम में काउंट होती नहीं है। तो रिबेट कितना मिलेगा? 100% ऑफ टैक्स और 2,500, विच एवर इज लोअर। पहले रिबेट का लिमिट था 100% ऑफ टैक्स और 5,000, आपके अटेम्प्ट से इसे क्या कर दिया गया है? रिड्यूस।
इसे 2500 पे ला दिया गया है, विच एवर इज लोअर, येस और नो, राइट? ओके, सो एक बात और लिखनी है बस, रिबेट इज बिफोर सेस, रिबेट इज बिफोर सेस. सर सेस क्या होता है? आएगा, बस सबर रखो, आज उठाऊंगा धीरे धीरे. डन. सो कंडीशन क्या है? पहला, असेसी शुड बी इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट. असेसी शुड बी इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट. टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 3,50,000. डन. आ जाओ आगे एग्जाम्पल्स पे. एग्जाम्पल नंबर टू, एग्जाम्पल नंबर टू, टैक्स प्लस रिबेट विदाउट सेस. पहला प्रॉब्लम आपको लिया था सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करने का, अब प्रॉब्लम ले रहा हूं टैक्स के साथ साथ रिबेट भी कैलकुलेट करने का, राइट? लेट्स से मिस्टर कातिल टोटल इनकम 3,30,000, कैलकुलेट टैक्स. मिस्टर कातिल टोटल इनकम 3,30,000. एक प्रॉब्लम मेरे साथ ट्राई करो, एक आपको ट्राई करने दूंगा, ठीक है? इधर देखो, इज माई टोटल इनकम 3,30,000. दो मिनट हाथ रोक लो, पहले देख लो सिर्फ, दूसरा प्रॉब्लम आपको ही करना है. इज माई टोटल इनकम 3,30,000. इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करोगे बोल मेरा बच्चा? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. कितना माइनस करना है? कर दूं? कर दिया. चलो लो कैलकुलेटर पे, 3,30,000 माइनस 2,50,000 कितना आया बेटा? ये क्या बन गया मेरा टोटल इनकम. इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट का है बच्चे? 10 या 5% बोलो. दैट इज टैक्स लाइबिलिटी कितने की बेटा? 4,000. अब रिबेट क्या है? डिस्काउंट फ्रॉम टैक्स. इनकम से नहीं माइनस करना, काय से माइनस करोगे? टैक्स से. टोटल टैक्स लाइबिलिटी में से क्या माइनस करोगे? रिबेट अंडर सेक्शन 87A. अज्यूमिंग इज कातिल इंडिविजुअल, यस. अज्यूम फॉर द टाइमिंग ही इज रेसिडेंट. क्या टोटल इनकम 3,50,000 से ऊपर जा रही है या नीचे है? क्या रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? कितना? लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स. 100% ऑफ टैक्स कितना है? 4,000. बी रुपीज 2,500. अब बोलो दोनों में से क्या लोअर है बेटा? माइनस कर दिया. अब बताओ टैक्स लाइबिलिटी कितनी? 1,000. समझा नहीं समझा? मैं वापस समझाता हूँ, ध्यान से सुनो. देखो मेरी टोटल इनकम थी 3,50,000. जिसको समझ गया लिख लेना, जिसको नहीं समझा वो मेरे साथ देखते रहो. टोटल इनकम थी 3,50,000. इसमें से सबसे पहले क्या माइनस करोगे? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. माइनस किया, टैक्स निकाल दिया 5% के हिसाब से. सर 5% ही क्यों लिया? बिकॉज टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 5 लैक्स, इसीलिए 5% ही लिया. टैक्स निकाला 4,000. सिंस माई ओवरऑल इनकम 3,50,000 के ऊपर नहीं जा रही, मैं इंडिविजुअल हूं और रेसिडेंट हूं, तो मुझे रिबेट भी मिलेगा. रिबेट कितना? लोअर ऑफ 100% ऑफ टैक्स और 2,500, विच एवर इज लोअर. तो 4,000 और 2,500, दोनों में से कम क्या है? 2,500. 2,500 बाहर निकाल दिया, 4,000 में से 2,500 माइनस कर दिए, टैक्स लाइबिलिटी कितने की बची? 1,500. जिनका हुआ उनने ट्राई करना 3,00,000 पे, जिनका हुआ उनने ही ट्राई करना. कैलकुलेट करो, मेरे को हवा में आंसर नहीं चाहिए, कागज पे लिखो. कैलकुलेटर पे आंसर निकलते तो कागज की जरूरत ना होती. सॉल्व करो ना, करो एक्स्ट्रा मेहनत. अपन एवरेज है, करो एक्स्ट्रा मेहनत और करो. 100-200 प्रॉब्लम दे दूंगा, टेंशन मत लो.
सर एग्जाम में हम ऐसा शॉर्टकट वर्ड लिख सकते क्या, टी आई टी आर टी एल? यस आप इसको बिल्कुल लिख सकते हो, टैक्स लाइबिलिटी टैक्स रेट टोटल इनकम, आप बिल्कुल लिख सकते हो। सर फॉर्मेट ऐसा ही होता है? यस इसीलिए लिखा है, जिसका 3,30,000 पे हो गया ट्राई करो खुद होके 3,00,000 पे। एनीबडी विद द आंसर? कितों का आया? जीरो। माय गॉड, फिर भी मेरे कई दोस्तों का बाकी है, रुको उनके लिए भी वेट करेंगे। चलो इस 3,00,000 में से एवरीबॉडी स्पीक अप, पहले क्या माइनस करेंगे? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना माइनस करोगे बेटा? 2,50,000। कितनी बची टोटल इनकम? 50,000। एवरीबॉडी इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट का मेरे बच्चे? सो 50,000 इंटू 5% कितना आ रहा है बेटा? 2,500। दिस बिकेम माई टैक्स लाइबिलिटी। अब 100% ऑफ टैक्स और 2,500 दोनों भी सेम ही आ रहा है क्या? आई होप दोनों भी सेम ही आ रहा है। रिबेट अंडर सेक्शन 87A माइनस कर दू पेरा तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी क्या आ गई? निल। टैक्स लाइबिलिटी क्या आ गई? निल। समझा या नहीं समझा? सर एक और मतलब एक और बनता है या नहीं बनता है? अब चैलेंज ये नहीं कर पाओगे। 3,40,000 ट्राई करो, चलो चैलेंज मेरे तरफ से, चैलेंज हर जन को। इतने जल्दी थोड़ी ना बोला था पूरा करने, कैलकुलेटर में नहीं पेज पे लिखो, थोड़ा मेहनत करो थोड़ी मेहनत। देखो नहीं निकल पाए ना, निकाल लिया पक्का? कितना आ रहा है बेटा? 2,000। क्या बात कर रहे हो, कितनों का जवाब आया 2,000? हो सच्ची? नहीं मेरे को तुम पे भरोसा नहीं, मैं ट्राई करूंगा। अरे भाई मेरे को भी मेहनत करनी है, मेरे को भी ट्राई करने दो। इसमें से पहले कितना माइनस करूं? 2,50,000। कितना बचा? 3,40,000 माइनस 2,50,000 कितना बचा बेटा? 90,000। एवरीबॉडी यस, इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट का है बेटा? 5%, दैट इज 4,500 टैक्स लाइबिलिटी, राइट? क्या इसमें से सीधा सीधा दिख रहा है रिबेट 2,500 का? रिबेट अंडर सेक्शन 87A तो कितने का बचा बेटा टैक्स लाइबिलिटी? 2,000। कितना हार्ड है ना टैक्स, समझ में आया क्या ये पॉइंट सबको? समझा? सर इज इट मैंडेटरी रिबेट मिलेगा ही? यस ये मैंडेटरी, आपसे पूछा नहीं जाएगा चाहिए या नहीं चाहिए, आपको लोअर मिडिल क्लास अज्यूम करके आपको ये बेनिफिट दे दिया जाएगा। गेटिंग इट और नॉट बेटा? अगर मैं सीधे तरीके से एक पॉइंट बोलता हूं, सिर्फ कुछ समझदार बच्चे ही इसे समझ पाएंगे, देखते हैं शायद आप इसे समझो। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बोला 3,00,000 2,50,000 तक के है, पर मैं कहता हूं 3,00,000 तक के तो टैक्स ही नहीं आना है। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना बोला है? 2,50,000, बट प्रैक्टिकली 3,00,000 तक टैक्स ही नहीं आएगा। मेरे को नहीं समझा। अरे एक बार में तुमको समझ ही कैसे सकता है, बोलो नहीं समझा? क्या मिलेगा बेटा? रिबेट। क्या मिलेगा बेटा? रिबेट।
समझ में आ रही बात? यानी दिखाने के लिए दिखा गया है 2.5 लाख तक एग्जम्प्ट है, प्रैक्टिकली 3 लाख तक के टैक्स का नामो निशान ही नहीं रहता। गेटिंग इट और नॉट? ये पॉइंट समझा? आओ वापस, चार्ट लिखा था, चार्ट लिखा था, इस पे कॉमन नोट नंबर 1 लिख दिया आपने, कॉमन नोट नंबर 1। किसी को कोई प्रॉब्लम बच्चा? बाबू कोई प्रॉब्लम? लिखो नोट 2 सेस, नोट नंबर 2 कॉमन नोट में ही लिखना है, नोट नंबर 2। 6 नोट का पूरा गेम है, मैं नोट नंबर 2 लिखा रहा हूँ। चार्ट के नीचे लिखना है, रिबेट के नीचे। प्लेस नहीं बची, बाजू में पेज पे बची है वहां लिख दो, आगे का एक पेज कॉमन नोट करके डाल देना उस पे लिख देना, है ना बेटा? है ना? हाँ मुन्ना राजा। सेस सर आता हे काय? नवीन बेटा सेस इज कॉल्ड एज अ मैंडेटरी लेवी, सेस इज कॉल्ड एज अ मैंडेटरी लेवी। मैंडेटरी लेवी का मतलब यह है, दिस इज ओवर एंड अबव द टैक्स, ये कलेक्ट किया जाता है ओवर एंड अबव द टैक्स। सर क्यों कलेक्ट किया जाता है? फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, सरकार को कुछ स्पेसिफिक पर्पस पूरे करने होते हैं, तो ओवर एंड अबव टैक्स एक पॉइंट कलेक्ट किया जाता है, ओवर एंड अबव द टैक्स एक पॉइंट कलेक्ट किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? सेस। सर क्या मैंडेटरी है? हाँ मैंडेटरी है। ये काय पे लगता है? इट इज ऑन टैक्स आफ्टर रिबेट और सरचार्ज, इट इज ऑन टैक्स आफ्टर रिबेट और सरचार्ज, यानी रिबेट के बाद लगाया जाता है या सरचार्ज के बाद। सर अब सरचार्ज क्या आएगा? सेस और रिबेट भी आया ना, वो भी आएगा। सो मैंडेटरी लेवी है, मैंडेटरी लगाना है, बोला हो नहीं बोला हो लगा देने का। स्पेसिफिक पर्पस, सरकार को कुछ पर्पसेस पूरे करने होते हैं उसके लिए लगाया जाता है। काय पे लगता है? टैक्स पे आफ्टर रिबेट एंड सरचार्ज, रिबेट और सरचार्ज। सर कितना सेस लगता है? सेस इज एट द रेट ऑफ 3%, जिसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 2% एजुकेशन सेस, 1% सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस, ओवरऑल 3%। 3% ऑफ व्हाट? 3% ऑफ टैक्स आफ्टर रिबेट एंड सरचार्ज, ये 3% पे कलेक्ट किया जाता है। प्रॉब्लम में बोला हो नहीं बोला हो चिपका के लगा देने का, मैंडेटरी है। तो जरा समझ के देखना क्या हुआ। एक दिन ये गया, ये अरे ये एओ गया, अच्छा हाँ भाई लाओ लाओ, चलो लाओ टैक्स भी निकालो और सेस भी निकालो, चलो सेस निकालो जल्दी। असेस ही नहीं पूछा, सर काहे का सेस? सर कौन सा सेस? नहीं नहीं देखो, सरकार को कुछ उनके पर्पस पूरे करने होते हैं, तो इसलिए आपको टैक्स के ऊपर एक और अमाउंट देनी पड़ेगी, सेस लाओ लाओ जल्दी निकालो। अच्छा चलो मैं दे तो दूं, आई एम ऑनेस्ट टैक्स पेयर सर, आई एम अ टैक्स मैन, मैं दे दूंगा, पर ये तो बताओ सरकार का पर्पस क्या है? देखो सरकार का एक और दायित्व बनता है, यू नो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, बच्चों की पढ़ाई। उम्र के 14 तक के पार्टली अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट बेयर करता है और पार्टली पेरेंट्स बेयर करते हैं, और जो यू नो स्टेट गवर्नमेंट बेयर करता है वो कॉलेजेस को बेनिफिट के नाम पे प्रोवाइड कर दिया जाता है, स्कूलों को बेनिफिट के नाम पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो बच्चों के एजुकेशन के लिए सरकार ने एक स्कीम चलाई हुई है, सर्व शिक्षा अभियान। कौन सी स्कीम है? सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम, सुना हुआ है ये सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील स्कीम। इसके लिए पैसा कहां से आता है? टैक्स पेयर की जेब से। टैक्स के ऊपर एक अमाउंट कलेक्ट की जाती है सेस, उससे ये फंडिंग की जाती है। आपको पता होगा कई स्कूलों के अंदर मैंडेटरी है, कुछ यू नो बीपीएल के लोगों को भी, बिलो पावर्टी लाइन के बच्चों को भी उन स्कूल में कंपलसरीली सीट्स दिलाई जाती है, यस ऑर नो? तो इसके लिए जो फंडिंग होता है वो कौन करता है? सरकार। मिड डे मील स्कीम का फंडिंग कौन करता है? सरकार।
ये असेसी बोलता, सर एक मिनट, बच्चे किसके बच्चे, कौन से बच्चे, मेरी शादी नहीं हुई, मेरी तो शादी भी नहीं हुई और बच्चे, ये तो फिर ऐसी बात हो गई कि सर कौन से बच्चे, बेटा तुम्हारे नहीं देश के बच्चे, नहीं नहीं सर देश के बच्चों में मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, वाई आई एम लाइबल टू पे द टैक्स। अरे भाई देखो ना यार, मतलब कॉमन सेंस की बात है, मतलब बच्चे मेरे नहीं फिर भी टैक्स मेरे को देना पड़ रहा, याला काय अर्थ है। सर देना तो पड़ेगा, देखो अगर ऐसा ना करते, मैंडेटरी इसे ना किया जाता तो हर पर्सन क्या बोलता, मैं मेरे बच्चों पे फोकस करूं या देश के बच्चों पे फोकस करूं, ये सुनो। और जिनकी शादी नहीं हुई वो क्या बोलते, वाह अच्छा है, बहुत अच्छा है, साला बच्चे मेरे नहीं और टैक्स मेरे को देने लगा रहे। अगर मैंडेटरी ना किया होता तो हर व्यक्ति क्या बोलता, साहब मेरे भी दो दो है, उनका एजुकेशन का भी बोलो किसी और को, जिसकी शादी नहीं हुई वो क्या बोलता था, मेरे तो बच्चे भी नहीं, ख्वाहिश भी नहीं, मैं क्यों टैक्स दूं। इसीलिए इसे क्या किया गया बेटा, मैंडेटरी। हर आदमी अगर ये बोल देता था तो शायद देश का भला ही नहीं हो पाता था। इसीलिए आज देखो जो बीपीएल आते हैं उनके बच्चों का भी हक बनता है अच्छी शिक्षा लेने का, इसीलिए इसे मैंडेटरी कर दिया गया। बोला हो नहीं बोला हो, जब भी टैक्स कैलकुलेट करने बोला तो टैक्स में इसको भी इंक्लूड कर लेना, टैक्स में इसको भी इंक्लूड कर लेना। समझ में आ रही बात? ओके आ जाओ यहां पे लिख दो एग्जाम्पल थ्री। एग्जाम्पल थ्री, टैक्स प्लस रिबेट प्लस सेस। बेटा समझे कि आप कैसे कैसे धीरे धीरे ऊपर आ रहे हो? पहला प्रॉब्लम लिया था जिसमें रिबेट ही नहीं था, सिर्फ टैक्स था। दूसरा प्रॉब्लम टैक्स प्लस रिबेट। तीसरा एग्जांपल टैक्स प्लस रिबेट प्लस सेस, ताकि धीरे धीरे अपन ऊपर जाए। पहले टाइम पे ये सारी नोट बता देता तो शायद ही समझ आता। चलो मिस्टर जुल्मी, टोटल इनकम 3,40,000, कैलकुलेट टैक्स। ट्राई करोगे क्या? चलो मैं एक ट्राई करता फिर अपन सब ट्राई करेंगे। व्हाट इज माय टोटल इनकम 3,40,000। बोलो मेरा बच्चा पहले इसमें से क्या माइनस करूं? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कर दिया 3,250 माइनस। बताओ मेरी टोटल इनकम कितनी बची? इज इट 90,000? इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट का है? 5%, क्योंकि टोटल इनकम 5,00,000 से ऊपर जा रही नहीं है, इनटू 5%। व्हाट इज माय टैक्स लाइबिलिटी? मेरा एक सवाल है आपसे, क्या रिबेट मिलेगा? मिलेगा अंडर सेक्शन 87A, अज्यूमिंग ही इज रेसिडेंट। 2,500 डायरेक्ट माइनस कर दूं अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट इज माय टैक्स लाइबिलिटी? यस हाँ तो खत्म। कुछ मिर्च मसाला ऐड करना है क्या? सेस एट द रेट ऑफ 3%, 60। सो व्हाट इज द फाइनल टैक्स लाइबिलिटी? 2,060। बोला नहीं बोला, मैंडेटरी है ऐड कर देना। बोला नहीं बोला, मैंडेटरी है ऐड कर देना। एवरीबॉडी अब वर्ड जाके पढ़ो, सेस रिबेट के बाद आता है, सेस रिबेट के बाद आता है। समझ में आया क्या क्या लिखा है? पहली क्लैरिटी है, सेस रिबेट के बाद आता है। बेटा यहां समझा सबको? एवरीबॉडी नहीं, मुझे तुम पे भरोसा। चलो ट्राई करो, 3,45,000
एवरीबडी, कैलकुलेटर पे नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को पेज पे लिखो, सॉल्व करो, मेहनत करो. 3,45,000, मेहनत करो. हाँ जी, एनीबॉडी? 2317.5. चलो डन, मैं भी ट्राई करूँगा, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है. बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000. व्हाट इज माय टोटल इनकम? 3,45,000 माइनस 2,50,000, हाउ मच? 95,000. What is the tax rate? 5%. What is the tax liability? 4,750. क्या रिबेट मिलेगा? रिबेट अंडर सेक्शन 87A, 2,500. अब बोलो टैक्स लाइबिलिटी कितनी? 22. हाँ तो खत्म. क्या ऐड करना है? yes. सर पर बोला नहीं है. बोला हो या ना बोला हो, ऐड तो करना है. 2317.50. हाउ मेनी पीपल गॉट दिस आंसर? हमारी क्लास में एक था. चैलेंज है, अब नहीं कर पाओगे. चैलेंज, चैलेंज क्वेश्चन. 4,00,000. चैलेंज है, चैलेंज. पेपर पे चाहिए, कैलकुलेटर पे जवाब नहीं चाहिए. लिखो, करो मेहनत और करो. करो मेहनत, इतना कर डालो, इतनी मेहनत कर डालो कि रात में किसी ने उठा के भी पूछा, बता इस पे टैक्स कितना, मुंह पेच रहने को ना. 1,000-2,000 क्वेश्चन और दूंगा, टेंशन मत लो. सेवन सेवन बॉस, कुछ लोगों का 5,1. नहीं 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 नहीं, बच्ची ने बोला ना 5,150, गलत है. चलो मैं प्रूफ करूंगा, नहीं मैं भी सॉल्व करूंगा, ऐसा कैसे? हाँ हाँ, मैं भी सॉल्व करूंगा. मैं इधर पीपीटी रन करने थोड़ी ना आया. बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कितना माइनस करूं बेटा? 2,50,000. आवाज बंद, आवाज बंद. व्हाट इज टैक्स लाइबिलिटी, सॉरी टैक्सेबल इनकम? 4,00,000 माइनस 2,50,000, बोलो बेटा कितना? 1,50,000. इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट का है बेटा? टैक्स लाइबिलिटी कितने की आ जाएगी? 7,005. हाँ तो रिबेट मिलेगा, मिलेगा. रिबेट विल नॉट बी अवेलेबल बिकॉज टोटल इनकम एक्सीड 3,50,000. समझ में आया कि एग्जाम्पल कैसा चेंज किया? तो ठीक है, रिबेट नहीं भी मिला तो टैक्स लाइबिलिटी तो आएगी 7,500.
इस पे क्या ऐड कर दोगे? सेज एट द रेट ऑफ 225 एंड द फाइनल आंसर इज 7725. सर एक कोर बनता है, एक कोर बनता है, बनता है नहीं बनता मालिक? एक कोर. चलो और ट्राई करो, और ट्राई करो, और तोड़ो. टोटल इनकम लो मालिक 5 लाख, 5 लाख करो सॉल्व. आज जा करके दोस्त को गर्व से भी बोलना, क्या करके आया, टैक्स सीख के आया, बोलना. करो 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 बेटा करो. इधर है भाई. गुड. समझा क्या? Anybody who has got answer? नहीं आया होगा, नहीं आया होगा. आ गया, बोलो कितना? 1, 2, 8, 7, 5. किसी का एक हाथ तो उल्टा जवाब आया होगा, दूसरा तो देख लो एक हाथ ही. मुझे उसकी तलाश है जिसका कुछ अलग जवाब आया है. क्या कोई? हाँ कितना? 25 25750. यस, मुझे मेरा भाई मिल गया. 25750. और कोई है? और कोई है? चलो लेट स्टार्ट. 5 लाख पे सबसे पहले क्या माइनस करोगे? बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000. बचता कितना है टोटल इनकम? 2,50,000. टैक्स रेट कितना है? 5%. टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी? 12. इतनी मेहनत नहीं भी किया होता तो चार्ट पे जाके देखना था 5 लाख तक के टैक्स लाइबिलिटी कितनी आती है. इतनी मेहनत नहीं भी किया होता तो जरा पेज पलटा के देखो, मास्टर ने ऑलरेडी मेहनत कर ली उस पे. दिख रहा क्या वहां पे 5 लाख तक के टैक्स कितना आता? तो नहीं भी किया होता तो शॉर्टकट उधर था, पर तुमसे मेहनत नहीं करवाता तो उसका मीनिंग नहीं समझ आता. चलो इसमें से, हाँ तो रिबेट मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा? टैक्स लाइबिलिटी कितने बेटा? 12,500. हाँ तो इस पे सेस एट द रेट ऑफ 375. 1, 2, 8, 7, 5. कितना हार्ड है ना टैक्स? उगच अपन कितना सिंपल समझ रहे थे, कितना हार्ड निकला. सर day 3 यू आर कैलकुलेटिंग टैक्स. दिस इज द day 3 टेक्निकली. जब हम इनकम टैक्स पढ़ रहे, यू आर कैलकुलेटिंग टैक्स. अब देखो, आप एग्जांपल देखना, दिस इज द 3rd एग्जांपल. पहले एग्जांपल में आपको रिबेट और सेस नहीं लिया, सिर्फ टैक्स सिखाया. फिर एक सीढ़ी ऊपर चढ़ाया, आपको सिर्फ रिबेट सिखाया. फिर एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ाया, तीनों को मिक्स करके सिखाया. अपन एवरेज है, अपन ऐसे ही पढ़ेंगे. पूरा इनकम टैक्स ऐसे ही पढ़ाऊंगा. मेरे को स्पीड में जाना आता नहीं, ना मेरे को जाने का मूड है. आपको जल्दी है? बस ऐसे आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे. आओ वापस से चार्ट पे. कितने नोट हो गए? कितने नोट हो गए? 2. एक पढ़ा रिबेट, एक पड़ा सेस. और बढ़ाऊं थोड़ा सा ऊपर? आ जाओ 3rd नोट. अब हम आ रहे हैं 3rd नोट पे. सर 3rd नोट के लिए अगर स्पेस नहीं बची होगी, सुन लो, अगर 3rd नोट के लिए स्पेस नहीं बची होगी, एग्जाम्पल के आगे कोई भी एक पेज ले लेना. चार्ट के नीचे बस लिख के रख दो रिफर पेज नंबर, एक लिख के रख देना रिफर पेज नंबर डैश.
वहाँ पे बची हुई नोट कंप्लीट कर देना। वैसे भी ये नोट आपको अब इसके आगे लगने नहीं वालेगी, मतलब इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक बार आप पूरा कैलकुलेशन सीख गए तो फिर आप नोट्स की तरफ देखोगे भी नहीं, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे टक 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 आंसर बाहर, गेटिंग इट और नॉट। स्टिल आगे का एक पेज कॉमन नोट बोल के अलग पेन से लिख लेना, ज़्यादा बेटर होगा। नोट नंबर 3, राउंड ऑफ। नोट नंबर 3, राउंड ऑफ। इनकम एंड टैक्स शुड बी राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। रूल ऑफ 5 अप्लाइज। रूल ऑफ 5 अप्लाइज। इन मल्टीपल ऑफ ₹10 इनकम एंड टैक्स शुड बी राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। रूल ऑफ 5 अप्लाइज। रूल ऑफ 5 अप्लाइज। सर इतना सा भी नहीं समझ में आया क्या लिखा है सर? इनकम एंड टैक्स, आओ मेरे साथ एक बार एवरीबॉडी पढ़ के देखो, इनकम एंड टैक्स। हौले हौले बेटा, धीरे धीरे, एक साथ में नहीं जाते, धीरे धीरे, जल्दी नहीं है अपने को। इनकम एंड टैक्स, वो सिर्फ इनकम की बात नहीं कर रहा है, टैक्स भी राउंड ऑफ करना पड़ता है। इनकम एंड टैक्स शुड बी राउंडेड ऑफ, शुड है, मैंडेटरी है, पूछा नहीं है, करना है, बोलेंगे नहीं प्रॉब्लम में राउंड ऑफ करने के बाद टैक्स निकाल, कर देना, शुड लिखा है वहां पे, शुड बी राउंडेड ऑफ इन मल्टीपल ऑफ ₹10। रूल ऑफ 5 अप्लाई। सर देखो कंफ्यूज हो रहा है, या तो 10 बोलो या तो 5 बोलो, सिंपल शब्दों में समझाता हूं। देखो लास्ट फिगर पे फोकस करना, कौन सी फिगर पे फोकस करोगे? लास्ट। अगर लास्ट फिगर सुनो, अगर लास्ट फिगर अप टू 4 है, लास्ट फिगर अप टू 4 है तो लोअर साइड राउंड ऑफ कर देना, 5 या 5 से ऊपर है हायर साइड राउंड ऑफ कर देना। वापस बोलता हूं, मेरा ध्यान नहीं था, मैं वापस बोलूंगा, मेरा ध्यान नहीं था, एक बार मैं वापस बोलूंगा। लास्ट फिगर पे फोकस करना, कौन सी फिगर पे फोकस करोगे? लास्ट। लास्ट फिगर एकदम अपना बिल्कुल समझ के रख लेना, लास्ट फिगर अगर अप टू 4 है तो इसे लोअर साइड राउंड ऑफ, नहीं तो अरे हायर साइड, अपर साइड नहीं, हायर साइड, हायर साइड राउंड ऑफ। सी आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई सेड, नॉट व्हाट यू अंडरस्टूड। ये आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं, खुद भी बिगड़ रहे हो, टीचर को भी बिगाड़ोगे। बोलो इस फिगर पे फोकस करो और बताओ इसका राउंड ऑफ क्या होगा? 28310। चलो सेकंड बोलो, 320। लास्ट वर्ड अगर 5 या 5 से ऊपर है हायर साइड राउंड ऑफ, इसका बोलो 28320। समझ में आया क्या रूल ऑफ 5 क्या है? बेटा सुनो, इनकम को राउंड ऑफ करना है, रूल सबके लिए सेम है, इनकम राउंड ऑफ 288A में लिखा है, टैक्स राउंड ऑफ सेक्शन 288B में लिखा है। इनकम रूल वही है, इन मल्टीपल ऑफ 10, डन। हेलो हेलो हेलो,
इज दैट डन? आ जाओ जी, आ जाओ. एक एग्जांपल तो बनता ही है कि नहीं बनता है? इनकम को राउंड ऑफ करना है 288A, टैक्स को राउंड ऑफ करना है 288B. एग्जांपल नंबर 4. हाँ जी, वापस लाता हूँ. डन सर. देखो, वो अकाउंट्स होता है जहां पे यू नो इनकम आपको हमेशा हंड्रेड्स में मिलेगी, लेकिन इनकम टैक्स में टू बी वेरी ऑनेस्ट इनकम 38,124 भी मिल सकती है, 0.5 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है. यस और नो? ये अकाउंट्स नहीं है, यहां पे प्रैक्टिकल लाइफ चलती है, दैट इज रियल इनकम. आ जाओ एग्जाम्पल नंबर, बोलो बेटा, 4. इसमें हम टैक्स भी पढ़ेंगे, रिबेट भी पढ़ेंगे, सेस भी पढ़ेंगे और राउंड ऑफ भी पढ़ेंगे, सब का मिक्सचर. टोटल इनकम 3,20,648. एक साथ में सॉल्व करेंगे, इसके आगे आपको सॉल्व करना है. एक साथ में करेंगे बेटा. जब भी आपको पहला ही फिगर टोटल इनकम का राउंड ऑफ में नहीं मिल रहा है, सबसे पहले यहां पे इसको राउंड ऑफ करो. कौन सा सेक्शन अप्लाई करोगे? 288A. बोलो क्या आएगा? 320650. अब ये हो गया राउंड ऑफ. अब इस पे जैसे टैक्स निकालते हो बिल्कुल वैसे ही निकालो, लेस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट. जैसे निकालते हो बिल्कुल, अब बिल्कुल परफेक्टली वैसे ही निकाल दो पूरा का पूरा. 320650 माइनस 250,000, दैट इज 70,650. इस पे टैक्स रेट कितने परसेंट का होगा? 5%. 3533. 50 पैसे के लिए मत रोना. हाँ, 3533, 50 पैसे के लिए मत रोना. लेस सर, रिबेट मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा या नहीं मिलेगा? लो, माइनस कर दिया रिबेट. टैक्स लाइबिलिटी पहुंच गई 1033. एवरीबॉडी, हाँ, और भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में? सेस एट द रेट ऑफ 3%, 1033 इंटू 3%, दैट इज 31 रुपीस. यस ओ नो? व्हाट इज टैक्स लाइबिलिटी? 1064. अब मुझे बताओ, क्या टैक्स को भी राउंड ऑफ की जरूरत है? राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288B. कैन एनीबॉडी टेल मी? इनकम टैक्स मानता है 10 रुपए से ना आपको फर्क पड़ेगा ना उसको फर्क पड़ेगा, इसीलिए ये पॉइंट और 10 रुपए तक का गेम वो अवॉइड ही करता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये मानता है 10 रुपए तक ना आपको फर्क पड़ता है ना हमको फर्क पड़ता है. तो 10 रुपए आप भी देश के भले के लिए कुछ एक्स्ट्रा दे सकते हो और आपसे 10 रुपए छोड़े भी जा सकते हैं. समझा नहीं समझा? इनकम राउंड ऑफ करना है 288A, टैक्स राउंड ऑफ करना है 288B. सर, राउंड ऑफ किया तो भी हम कितने रुपए पे राउंड ऑफ कर रहे हैं? 4 रुपए छोड़ रहे हैं. 4 रुपए छोड़ के भी, अब मान लो एक बात, 4 रुपए मतलब आप छोड़ भी दिए तो इतना कोई सब्सटेंशियल फर्क नहीं पड़ जाता ना. 1.3 बिलियन पीपल एट द सेम टाइम, ये भी सोचो ना, सबका 4 के नीचे ही होगा क्या? किसी का 5 होगा, 5 के ऊपर भी तो होगा. उस टाइम फिर रेवेन्यू प्रॉफिट भी तो देखो ना. सर एक और प्रॉब्लम बनेगा, और सॉल्व करना है सर मेरे को, और सॉल्व करना है. टोटल इनकम 335645. करो 335645. करो.
करो मेहनत और सॉल्व करो। एक जवाब 1840, दूसरा जवाब 1840, उधर से भी 1840, 1840, ओके 1840, ओके। आई डोंट नो आंसर, मेरे को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डन, चलो बॉस, बॉस अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कर दूँ, मैं भी सॉल्व करूँगा, लेट्स चेक। क्या शायद पहले मुझे मेरी इनकम राउंड ऑफ करनी पड़ेगी? अंडर सेक्शन 288 ए, लास्ट फिगर अगर 5 या 5 से ऊपर है तो लोअर साइड या हायर साइड? इज इट 335650? चलो लेस, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2,50,000, कितना बचा? 335650 लेस 2,50,000, दैट इज 85,650। इस पे टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स रेट 5%, टैक्स लाइबिलिटी 4,283। इसमें क्या रिबेट मिलेगा? क्या रिबेट मिलेगा? मिलेगा, जरूर मिलेगा। सो टैक्स लाइबिलिटी कम टू 1783। अभी भी कुछ बाकी है तेरे मेरे बीच में? इज इट 54 रुपीज? 53 और 54, 1 रुपए के लिए मत झगड़ना, 10 रुपए तक का गेम है अपना। टैक्स लाइबिलिटी बोलो 1837 एंड टैक्स लाइबिलिटी विल बिकेम 1840। हाउ मेनी पीपल गॉट दिस आंसर? माय गॉड, सबको आ गया? हमारी क्लास में एकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। चैलेंज वाली बात, चैलेंज चैलेंज। 495 495, करो और मेहनत करो और करो। बख्शना ही नहीं अपने आप को। जितनी मेहनत में कमी रही थी सीपीटी में, सब यहां निकाल दूंगा पूरी। कोई जल्दी नहीं है, बाजू वाला कुछ भी सॉल्व करने दो, अपने को अपना इजीली सॉल्व करना है। बेटा अपन ने अपने हिसाब से सॉल्व करने का, बाजू वाला जैसे भी सॉल्व कर रहा है करने दो, अपन ने अपनी शांति से सॉल्व करने का। कितना रहे? 12640, ओके। फिर भी मैं मेरे और दोस्तों के लिए रुकूंगा, उनका अभी बाकी है। शांति से मेरे ऐसे सॉल्व करने वाले, आराम से सॉल्व करो।
सो रिबेट आएगा। हाँ क्यों? इनकम एक्सीड 3,50,000। आहो चलो सबसे पहले राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288A 495 495। आखिरी फिगर पे फोकस करना, लेस बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। बोलो बेटा 2,50,000 बचता कितना है? 2,45,500 राइट। इसमें से टैक्स रेट कितने परसेंट का है? 5%। टैक्स लाइबिलिटी 12275। गाइस आवाज बंद, आवाज बंद। रिबेट अंडर सेक्शन 87A क्या लिखोगे? निल 12275 टैक्स लाइबिलिटी। इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा? सेस एट द रेट ऑफ 368 12643। अब इसे कौन से सेक्शन ही भूल गया यार मैं, 288B 12640। जम गया क्या? बहुत हार्ड है ना टैक्स? आज के आज में नहीं बोल तो तुमने 15 प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे। आज के आज में नहीं बोल बोल के भी सिर्फ चार कॉन्सेप्ट सिखाए, नहीं सिर्फ चार पॉइंट सिखाए। देख लो आप, सिर्फ चार पॉइंट में ऑलमोस्ट तुमने 15 प्रॉब्लम सॉल्व किए होंगे। आगे क्या मालिक, बढ़े क्या थोड़ा सा आगे? कितने नोट हुए, कितने नोट हुए? 3। रिबेट तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? राउंड ऑफ सेस क्लियर? ओके सर। सर चेक, अब मैं वापस आगे बढ़ रहा हूँ। चार्ट देखो वापस से, वापस से चार्ट देखो, वापस से चार्ट देखो। पहुँचे अप टू 2,50,000 नेल, 2,50,000 टू 5,00,000 कितना परसेंट? 5%। डन। 5,00,000 टू 10,00,000 कितना परसेंट? 20%। 5,00,000 से, अब मैं इस लैब में आ गया हूं, इस लैब की बातें करेंगे। 5 से ऊपर 10 से नीचे, ये एज इट इज रखा गया है। 20% पहले भी था, आज भी 20% है, ये एज इट इज रखा गया है। 5,00,000 के ऊपर 10,00,000 के नीचे, इसको एज इट इज रखा गया है 20। अब देखो इनमें टैक्स को शॉर्टकट को कैसे यूज करना, ठीक है? कोई लिखना मत, सिर्फ देखते रहना टैक्स के शॉर्टकट को कैसे यूज करना। लेट्स अंडरस्टैंड, लेट्स सी, मेरा टोटल इनकम जा रहा है 6,00,000 रुपए। गाइस चेक, ठीक है, मेरा टोटल इनकम जा रहा है 6,00,000 रुपए। क्या ये 5 से ऊपर और 10 के नीचे है? अब देखो शॉर्टकट को कैसे यूज करोगे। अगर तुम शॉर्टकट यूज करते हो तो एग्जाम में प्रोबेबली 2 मिनट बचते हैं, और 2 मिनट में हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एटलीस्ट थ्योरी में कुछ तो लिख के आएंगे, एक मार्क तो देगा, तो दो मिनट भी बच रहे तो बचाने का यही काम है अपना। बॉस टोटल इनकम, अब देखो मैं आपको शॉर्टकट और विदाउट शॉर्टकट दोनों गेम बताता हूँ, ठीक है? पर मैं डैम श्योर हूँ तुम शॉर्टकट के साथ जाओगे। देखो 6,00,000 है तो तुम क्या करोगे, पहले 2,50,000 तक के क्या पकड़ना है? निल। उसके ऊपर के 2,50,000 यानी जब तक कि आपका गेम कहां तक पहुंचता? 5,00,000। यहां तक 5% है यानी कितना हो गया? 12,500। एवरीबॉडी, अब 5 के ऊपर कितना अमाउंट बचा? 1,00,000। इस पे कितना परसेंट है? 20%, यानी कितना? यानी कितना? 20,000। एवरीबॉडी, सो टोटल टैक्स कितना हो जाएगा?
20,000 प्लस 12,500 टोटल टोटल 32,500 एवरीबॉडी। अब ये इतना लॉन्ग कट जाना और अब मेरा शॉर्टकट यूज करो एवरेज बच्चों का। टोटल इनकम कितनी है 6,00,000 अप टू 5,00,000। क्या हमें टैक्स पता है अप टू 5,00,000? देखना न सुनना न जानना न परखना स्ट्रेट अवे 12,500। क्या इसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी कवर हो गया? यस। ये देखो 2,50,000 तक के कुछ नहीं था, 2,50,000 से 5,00,000 कितना था बेटा 5%। तो अप टू 5,00,000 जहां इनकम 5,00,000 के ऊपर दिखी टेंशन लेने का इतने अप टू 5,00,000 मेरे को टैक्स पता है कितना आने वाला है 12,500। अब बचता कितना 1,00,000 इस पे कितना परसेंट कौन सा ज्यादा इजी है समझ में आया क्या? सिर्फ ट्राई करो कैलकुलेटर पे लिखना नहीं 7,00,000 पे 7,00,000 पे कहां तक का टैक्स तुम्हें पता है कहां तक का टैक्स तुम्हें पता है 5,00,000 दिमाग लगाना ही नहीं उस पे सिर्फ दिमाग कितने पे लगाना कितना जवाब आया 52,500। देखो कैसे जिसको नहीं समझा उनके लिए 7,00,000 ये टोटल इनकम इसमें से अप टू 5,00,000 पे टैक्स क्या मुझे पता है अप टू 5,00,000 बचता कितना है 2,00,000 इनटू कितना आने वाला है तो 12,500 प्लस 40,000 52,000। समझा क्या? अपना अगर एक सेकंड भी बच रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इतना लंबा लेके जाओ एक एक प्रोसेस एक एक प्रोसेस। इसीलिए मेरे को पढ़ाई करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। शॉर्टकट कैसे होता है ये बताओ। शॉर्टकट है स्ट्रेट अवे 5,00,000 तक का टैक्स दिमाग में फिट रख लेना कितना आएगा 12,500। जहां टोटल इनकम बोला आपको 5 के ऊपर 5,00,000 तक का टैक्स बिल्कुल एक सेकंड में बाजू निकाल देना और उसके सिर्फ ऊपर पे 20% लगा देने का। एवरीबॉडी एक एग्जांपल हो ही जाएगा। एग्जांपल नंबर 5 और 6 एग्जांपल नंबर 5 और 6 आ जाओ। एग्जांपल नंबर 5 यूजिंग द शॉर्टकट यूजिंग शॉर्टकट दो एग्जाम्पल दे रहा हूं दोनों ट्राई करो। टोटल इनकम 9,00,000 टोटल इनकम 9,45,268 कोई प्रॉब्लम बेटा? नाइन फोर्टी फाइव टू सिक्सटी एट हो गया। पहला वाला निकला क्या मेरे को बताओगे प्लीज मेरी हेल्प करोगे बताओ। 9,00,000 में से मुझे कहां तक का टैक्स पता है टैक्स 2 रुपीज 5,00,000 ये बाजू में निकाल दिया मैंने टैक्स। टोटल इनकम अबाव 5,00,000 कितना बचता है बेटा 4,00,000 इस पे टैक्स रेट कितने का है 20% बोलो ये कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है बेटा तो 5,00,000 तक का टैक्स प्लस 5,00,000 की इनकम के ऊपर का टैक्स बोलो ओवरऑल 92,500 ये तो हुआ टैक्स। अब मुझे बताओ क्या रिबेट मिलेगा? हाँ दे दो ना नहीं मिलेगा 92,500 एड सेस एट द रेट ऑफ 3%।
2775. फाइनल आंसर 95275. क्या इसे उसकी भी जरूरत पड़ेगी, उसकी उसकी करना है 95280. समझा क्या बेटा? ये सिर्फ टैक्स निकला, उसमें रिबेट और सेस अपन जैसे लगाते बिल्कुल वैसे ही लगाते रहना. चलो दूसरा ट्राई करो जो तुम्हारे को दिया है. Anybody with the answer? 1046. पक्का मैं ट्राई कर लूं? चलो राउंड ऑफ. सबसे पहले राउंड ऑफ करना पड़ेगा. कैन आई से 945 270? एवरीबॉडी इसमें से टैक्स अप टू रुपीज 5 लाख. क्या मुझे 5 लाख तक का टैक्स पता है? बोलो मेरा बच्चा. 12,500. सो 945 270 माइनस 5 लाख कितना हुआ बेटा? टोटल इनकम अबाव 5 लाख कितने की हुई? 445 270. इस पे टैक्स रेट कितने का लगेगा? 20%. लगाओ बेटा 20%. कितना आ रहा है? 89,054. तो ये टैक्स प्लस ये टैक्स सिंपली मेरा टोटल टैक्स कितना हुआ? इज इट 1,01,554? क्या इसमें से रिबेट मिलेगा? रिबेट अंडर सेक्शन 87A नील. तो टैक्स लाइबिलिटी कितने की बनेगी अभी? 101,554. इसमें और क्या ऐड करना है? एट द रेट ऑफ 3046. इज इट 1,04,600? जिसको राउंड ऑफ करने की जरूरत. हाउ मेनी पीपल गॉट दिस आंसर? माय गॉड. समझा क्या शॉर्टकट कैसे यूज करते? एक स्टेप और ऊपर आ गए तुम. आज क्या क्या सीखा? आज क्या क्या सीखा? पहला स्लैब रेट पूरा सीख लिया क्या? ना, सिर्फ 2 पॉइंट. अप टू 2,50,000, 2,50,000 टू 5 लाख, 5 लाख टू 10 लाख. इसमें 3 कॉमन नोट पड़े. बोलो. रिबेट, सेस, राउंड ऑफ और शॉर्टकट कैसे यूज करते. एक सेकंड भी बच रहा है तो वो अपना ही चे. एग्जाम के 3 घंटे में अपने वो गेम खेलना है. एवरीबॉडी बस आज इससे ऊपर नहीं पढ़ना है. मोबाइल ऑन करो. पिछले 3 दिन का रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ. जितने लोग वर्चुअल में बैठे हुए हैं इन्हें भी मोबाइल ऑन करना है. रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लोग. मैं हर बार रिकॉर्डिंग से पहले 3, 2, 1 काउंट करूंगा. तब तक आपको आपका रिकॉर्डिंग ऑन करना है. रिकॉर्डिंग पूरी करने पे मैं बोलूंगा स्टॉप. आपको स्टॉप करना है. हम हर रिकॉर्डिंग को एक नाम देंगे. रोज घर जाने के बाद अगर मेरे सब्जेक्ट की सिर्फ रिकॉर्डिंग भी सुन ली, रात में सोते सोते सुन लो, आपको पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा. एटलीस्ट इस सब्जेक्ट का वापस रिविजन आपको घर पर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. डन. 3 ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं. 3 नहीं तो बहुत ज्यादा स्पेस लगेगा आपको. 3, 2 एंड स्टार्ट. हेलो गाइस, विजय सार्डा हियर. दिस इज द न्यू रिकॉर्डिंग बेसिक्स का. राइट, सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सेक्शन. कैसे पढ़ते? सेक्शन 2. राइट, सबसे पहले सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज.
इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक्ट और रूल्स. एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. जब भी आपको एक्ट पढ़ना है तो कैसे पढ़ा जाता है, हाउ टू रीड लॉ. सबसे पहले एक्ट पढ़ना, एक्ट में कुछ नहीं मिले तो केस लॉ, केस लॉ में कुछ नहीं मिले तो कस्टम फॉलो कर लेना. व्हाट इज नोटिफिकेशन, कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज इन रूल्स और एनीथिंग, राइट. ओके, कहाँ मिलेंगे नोटिफिकेशन, incometaxindia.gov.in या egadget.nic.in पे मिलेंगे. ऑल नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जामिनेशन आर एप्लीकेबल. सर्कुलर पढ़ा था, व्हाट इज सर्कुलर, सर्कुलर इज क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट, राइट. हर सर्कुलर 6 months बिफोर एग्जामिनेशन जो होगा वो क्या होगा, एप्लीकेबल, राइट. इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने बताया टैक्स और ड्यूटी. ड्यूटी इज जनरली ऑन गुड्स एंड टैक्सेस इज ऑन अदर देन गुड्स एंड सर्विसेज. डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स इज अ पर्सनल टैक्स, पर्सन को अपने प्रॉफिट पे करना पड़ता है. इनका इनडायरेक्ट टैक्स दूसरों से कलेक्ट करके पे करना पड़ता है. डायरेक्ट टैक्स वी पे टू CBDT, इनडायरेक्ट टैक्स वी पे टू CBEC. सरकार को एक बॉडी चाहिए थी, याद करो पावर कहाँ से आया है, आर्टिकल 265. ओनली अथॉरिटी कैन कलेक्ट द टैक्सेस. अथॉरिटी मतलब क्या, 245 ने बोला था पार्लियामेंट, लेकिन पार्लियामेंट ने हमें बोला था भैया हमसे ना हो पाएगा. उसने 3 लोगों में अपना पावर डिवाइड किया था, कुछ पावर सेंट्रल को, कुछ पावर स्टेट को, कुछ पावर बोथ को. जो पावर सेंट्रल को दिया था उसमें एंट्री नंबर 82 पे इनकम टैक्स कवर किया गया था, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर. ये सुनो, एग्रीकल्चर का पावर एंट्री नंबर 46 टू द स्टेट लिस्ट दिया गया था. ये था लेक्चर नंबर 1. फिर हम लोगों ने दूसरे दिन चालू किया था इनकम वर्ड को तोड़ना. इनकम मींस अ रिसीट. रिसीट को 2 पार्ट में डिवाइड करते, कैपिटल रिसीट, रेवेन्यू रिसीट. कैपिटल रिसीट टैक्सेबल नहीं होता, रेवेन्यू रिसीट हमेशा टैक्सेबल होता है. कैपिटल रिसीट 4 प्रकार का होता है, लोन, लाइबिलिटी, कैपिटल, पर्सनल इफेक्ट. इसके अलावा जो भी रिसीट है वो सब कौन सी रिसीट मानी जाएगी, रेवेन्यू रिसीट. रेवेन्यू रिसीट आर ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स. रेवेन्यू रिसीट आर ऑलवेज चार्जेबल टू टैक्स अनलेस एग्जम्पशन और डिडक्शन इज गिवन. दो हम वर्ड पढ़ने गए थे, एग्जम्पशन क्या और डिडक्शन क्या. एग्जम्पशन मींस 100% एग्जम्प्ट. ऐसी एक पूरी लिस्ट सेक्शन 10 में लगा रखी है. डिडक्शन मतलब क्या, डिडक्शन मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम से, लिखा हुआ है पार्शियल एग्जम्पशन मिलता है. कहां से, 80C to 80U. हम 2 वर्ड और पढ़ने गए थे, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम. ग्रॉस टोटल इनकम, इनकम ऑफ ऑल 5 हेड बिकेम ग्रॉस टोटल इनकम. उसमें से डिडक्शन माइनस कर दिया तो क्या बनेगा, टोटल इनकम. फिर हम लोग पर्सन का डेफिनेशन पढ़ने गए थे. पर्सन का डेफिनेशन सेक्शन 231, याद करो आपको कोई हैंड मूवमेंट्स दिए हुए हैं. इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP BOI, लोकल अथॉरिटी AJP. फिर असेसी का डेफिनेशन पढ़ा था 27 के अंदर. असेसी मींस एनी पर्सन हु इज लाइबल टू पे द टैक्स, एनी पर्सन ऑन हुम प्रोसीडिंग इज गोइंग ऑन, एनी पर्सन हु इज असेसी इन डिफॉल्ट. एवरी असेसी इज अ पर्सन बट एवरी पर्सन इज नॉट अ असेसी. फिर हमको सेक्शन 4 में प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर भी मिला था, पर हमने 4 वर्ड पढ़े थे, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर. कैलेंडर ईयर, अ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st January, इट इज कंप्राइजिंग ऑफ 12 मंथ. फिर हमने पढ़ा था फाइनेंशियल ईयर, अ ईयर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st April बट कंप्राइजिंग ऑफ 12 मंथ. ये दोनों हमने नहीं लिए क्योंकि जरूरी नहीं इनकम टैक्स में 12 महीने हो ही हो आप. फिर हमने 2 वर्ड पढ़े थे, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर. प्रीवियस ईयर 234 में लिखा है, जिसने मुझे कहा था सेक्शन 3 में जा, सेक्शन 3 में गया तो इसने कहा प्रीवियस ईयर मीन्स द ईयर इन विच इनकम इज अर्न. असेसमेंट ईयर पढ़ने गए, 29 के अंदर में लिखा था असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच टैक्स इज पेड. इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन असेसमेंट ईयर. लेकिन 5 केसेस ऐसे हैं जहां पे प्रीवियस ईयर में ही आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. जिसपे एक स्टोरी बनाई थी, याद करो स्टोरी बनाई थी, यश गणपति डांस कर रहा था, इतने में शिप आई, शिप से एक सुंदर कन्या उतरी, सुंदर कन्या ने बोला मैं तुझे रॉक स्टार बनाऊंगी. यश ने बोला मैं 2 काम करके आता हूँ, अपना सारा सामान बेच के आता हूँ, अपनी दुकान बंद करके आता हूँ. जैसे यश वापस आया, लड़की ने 2 वादे मांगे, तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे, इंडिया जैसी प्लेस पर दोबारा कभी नहीं आओगे. कैसे याद रखेंगे, AOP BOI, फॉर्म फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, नॉन रेसिडेंट शिपिंग बिजनेस. तीसरा, क्लोजर ऑफ बिजनेस. चौथा, पर्सन ट्रांसफरिंग द प्रॉपर्टी टू अवॉइड द टैक्स एंड पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली. प्रीवियस ईयर, आज का जो लेक्चर था उसमें हमने डिसाइड किया था प्रीवियस ईयर मतलब क्या. अगर बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो जहां से स्टार्ट हुआ है वहां से हम उसको प्रीवियस ईयर मानना शुरू करेंगे. फिर आज एक वर्ड छूट गया था सेक्शन 4 के अंदर, वो था रेट. आज रेट चालू किए थे तब हमें हमारे सर ने बताया रेट मतलब क्या. 2 तरह के रेट होते हैं, कुछ जिंदगी में नॉर्मल होते हैं, कुछ जिंदगी में स्पेशल. नॉर्मल रेट जो है ये एनुअल फाइनेंस एक्ट में लिखे हुए हैं, स्पेशल रेट जो है ये इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हुए हैं,
राइट right? तो हम लोग नॉर्मल रेट पढ़ने आए. याद करो हमने एक चार्ट बनाया डबल पेज इंक्लूड करके. पहला पर्सन था रेसिडेंट बिलो 60, नॉन रेसिडेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एज, HUF, AOP, BOI, AJP अप टू 2,50,000, नील 2,50,000 टू 5,00,000, 5% ये अमेंडमेंट हुआ है. शॉर्टकट 12,500, 5,00,000 से 10,00,000 रुपए 20%, शॉर्टकट 1,12,500 एंड अबाउ 10,00,000 30% नील. आज हमने तीन नोट भी पढ़ी. पहला कॉमन नोट जो हमने बनाया रिबेट अंडर सेक्शन 87A, इसमें भी अमेंडमेंट हुआ है. असेसी शुड बी इंडिविजुअल, ही शुड बी रेसिडेंट, टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 3,50,000 तो रिबेट कितना मिलेगा 100% ऑफ टैक्स और 2,500 विच एवर इज लोअर. दूसरा हमने पढ़ा सेस. सेस इज अगेन अ मैंडेटरी लेवी. सेस इज अगेन अ मैंडेटरी लेवी कितने के ऊपर लगता है, पूरे टैक्स के ऊपर लगता है आफ्टर रिबेट एंड सरचार्ज. कितने परसेंट से, 3% से मैंडेटरी है, यस. तीसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था राउंड ऑफ. अगर इनकम और टैक्स दोनों को राउंड ऑफ करना पड़ता है अंडर 288A, 288B, 288A में इनकम राउंड ऑफ होती है, 288B में टैक्स राउंड ऑफ होता है. दोनों राउंड ऑफ होते हैं इन मल्टीपल ऑफ रुपीज 10. रूल ऑफ 5 इज एप्लीकेबल. लास्ट फिगर पे फोकस करने का. अगर लास्ट फिगर अप टू 4 है तो लोअर साइड राउंड ऑफ, 5 या 5 से ऊपर है तो हायर साइड राउंड ऑफ. इज दैट डन? स्टॉप. नाम दो इसको बेसिक लेक्चर 1. हाँ वो हो जाता है कुछ लोगों का, चलो टेंशन मत लो. बेसिक लेक्चर 1 आज ही नाम देके रखो, बाद में आपको इतनी सारी ऑडियो फाइल्स में मिलेगा नहीं, फिर पता नहीं खोलने क्या जाओगे खुल क्या जाएगा. इज दैट डन? समझ में आया बच्चों? बाय बोलो बच्चों.